चलो, तो एक टॉपिक था हमारा छूटा हुआ था, वो था स्केल। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये फिर से बैक है हमारा, ठीक है। एक बार फिर से मैं वापस हूँ अपने चैनल विकास एकेडमी पे, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग की पूरी सीरीज फिर से, ठीक है। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ था, उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत मतलब माफ़ी मांगना चाहूँगा। थोड़ी सी क्या है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, रेगुलर अपडेट रेगुलर अपलोड्स नहीं हो पा रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो वीडियोज़ थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार कवर करते हैं अपने बचे हुए टॉपिक को, जिसमें पहले मैं अभी ख़त्म करने वाला हूँ स्केल के प्रॉब्लम को, ठीक है। पहला चैप्टर है, काफ़ी आसान सा चैप्टर है, लेकिन फिर भी स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना होगा, इसे कंप्लीट करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्केल्स। ये हमारा टॉपिक होगा स्केल्स, ठीक है। स्केल देखिए, जो हम क्या स्केल की डेफिनेशन जो है वो हम क्या दे सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक स्केल, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्केल की डेफिनेशन क्या होगी। तो डिवाइस टू मेजर एनी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु, जैसे ये आपका रबर है, ठीक है, इसको मापने के लिए जिस डिवाइस, एक यंत्र का यूज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। तो ये क्या, हमारे पास एक रबर है, हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर से इसको मापना स्टार्ट किया, और यहाँ तक जो इसकी लेंथ है 5.5 है, तो हम बोलेंगे कि यह 5.5 इंच लेंथ वाली एक क्या है, रबर है, एक इरेजर है हमारे पास, ठीक है। तो स्केल बेसिकली यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करने के लिए। अ डिवाइस व्हिच कैन मेजर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्केल। सीधी सी भाषा में आप इसे समझ सकते हैं, स्केल की यही डेफिनेशन, ठीक है। तो स्केल को बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसकी जो कैटेगराइजेशन है उसे हम समझ लेते हैं। तो स्केल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन बताइए, फुल साइज स्केल। कौन सी फुल साइज स्केल होती है हमारे पास, फुल साइज स्केल पहली। दूसरी होती है हमारे पास रिड्यूसिंग स्केल। कौन सी, रिड्यूसिंग स्केल। मैं सब बताऊंगा एक एक करके, इसलिए टेंशन मत लेना। रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है, ये रिड्यूसिंग स्केल है। तीसरी जो होती है हमारे पास वो होती है इनलार्जिंग स्केल। कौन सी, इनलार्जिंग स्केल होती है। देखो 3 स्केल है हमारे पास, पहली है फुल साइज स्केल, दूसरी है रिड्यूसिंग स्केल, और तीसरी है हमारे पास इनलार्जिंग स्केल। समझ गया। अच्छा, फुल साइज स्केल किसे कहते हैं, खुद से ट्राई करो, समझने की कोशिश करो। देखो नाम से पता चलता है यहाँ पे रिड्यूसिंग का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घटाया गया होगा, इनलार्जिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बढ़ाया गया होगा। अब कहाँ बढ़ाया गया है, किसमें बढ़ाया गया है, क्यों बढ़ाया गया, वही हम देखने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है। तो बने रहो हमारे साथ, देखते रहो इस वीडियो ट्यूटोरियल को। चलो, फुल साइज स्केल नाम से पता चलता है, आप बताओ फुल साइज स्केल क्या है। फुल साइज स्केल में क्या होती है कि एक्चुअल, जैसे स्केल है ये हमारे पास, देखो स्केल है, इसमें हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सेंटीमीटर लेंथ की कि हमारे पास स्केल है। अब इसके बराबर एक्चुअल साइज को अगर हम नापते हैं, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज को अगर इससे हम मेजर कर पाते हैं इस स्केल से, तो हम बोलेंगे कि ये स्केल क्या है, फुल साइज स्केल। मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास इतनी छोटी है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, हम इसे नाप सकते हैं इस स्केल से, 15 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे कि ये जो स्केल है ये फुल साइज स्केल है। इस ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या है, फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल, बट सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के लिए। क्या घर, अब ये बताओ कि आईफिल टावर को इसे नाप सकते हैं क्या, हाँ आप बताओ आईफिल टावर को नाप सकते हैं क्या इससे, नहीं। अच्छा आईफिल टावर की बात छोड़ दो, बिल्डिंग की हाइट को नाप सकते हैं, नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के दूसरे स्केल का यूज होता है, ठीक है। चलो, तो फुल साइज स्केल समझा आपने। फुल साइज स्केल किसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज को, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज को अगर किसी स्केल से हम मेजर कर पाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो स्केल है वो कौन सी है, फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल। लाइट यहाँ पे गई है, हो सके वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा धुंधला जरूर दिखे, ब्लैक हो गया होगा ये, तो उसके लिए सॉरी, बट आई थिंक ये क्लियर आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ, ओके। अब देखिए रिड्यूसिंग स्केल क्या है। रिड्यूसिंग स्केल वहाँ पर यूज होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि बिल्डिंग की साइज को आप नाप सकते हो इस स्केल से, नहीं नाप सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग स्केल बनाते हैं, मतलब बड़े साइज को छोटा कंपेयर कर लेते हैं, छोटा एज्यूम करके हम एक स्केल बनाते हैं, तो वो रिड्यूसिंग स्केल कहलाती है। अच्छा, इनलार्जिंग स्केल कब बनाई जाती है, छोटे छोटे नट बोल्ट्स जो होते हैं वॉचेज में लगी होती है, या फिर आपके लैपटॉप या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी छोटे छोटे डायोड या उससे भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो होते हैं, जिसे इस स्केल से नापना क्या है मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनलार्जिंग स्केल का यूज करते हैं। मतलब छोटी सी डायमेंशंस को, इस छोटी सी डायमेंशंस को हम बड़ा एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है 0.003 mm है, ये साइज है 0.003 है, तो हम इसे मान लेंगे कि 0.03 mm को हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो बड़ा यूनिट मान के हम क्या करते हैं, ऐसे स्केल को बनाते हैं। तो ये तीन हमारे पास टाइप है। उस तरीके से इसको स्केल को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 5 और कैटेगरी में। टाइप्स इसके कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के बनाई जाती हैं, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए आप टेंशन मत लो, सब हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टाइप्स जो होती है, पहली होती है हमारे पास प्लेन स्केल। क्या होती है, प्लेन स्केल, प्लेन स्केल होती है, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास है डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल स्केल है। फिर हमारे पास है कंपैरेटिव स्केल, कंपैरेटिव स्केल स्केल्स, ठीक है। फोर्थ जो है हमारे पास वो है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल है, सॉरी आप स्केल है। और पांचवी जो टाइप है वो हमारे पास है स्केल ऑफ कोड। क्या है, स्केल ऑफ CHORD कोड्स, स्केल ऑफ कोड। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे प्लेन स्केल क्या है, डायगोनल स्केल क्या है और स्केल ऑफ कोड क्या है। इन दोनों को हम अभी पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अनुसार। हम क्या करेंगे, 3 टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं, 1, 2 और 5 को। मतलब प्लेन स्केल पढ़ेंगे, डायगोनल पढ़ेंगे और स्केल ऑफ कोड पढ़ेंगे। इन दो को हम अभी क्या कर रहे हैं, फिलहाल अभी के लिए इसे स्किप करते हैं। बाद में आपको ज़रूरत हो तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, और एंगल के मेजरमेंट के लिए, अगर आपको एंगल मेजर करना है, एंगल की मेजरमेंट करनी है, तो आप स्केल ऑफ कोड का यूज करते हैं, ठीक है। देखेंगे अभी प्रॉब्लम में, देखने वाले, ठीक है। तो स्केल समझने में तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है हमारे पास, अभी तो ये सब चीज़ हम समझ रहे हैं, ठीक है। अभी फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल हो सके आपको ना समझ में आया हो, तो इसे अभी मैं एक और डिस्कस करूंगा। अब देखो, जैसे 2 जो रिड्यूसिंग स्केल है, अभी आपको बोल दिया जाए कि आप क्या करो, पेपर पे ये जो गंगा ब्रिज जो है, गंगा ब्रिज जो है, महात्मा गांधी सेतु पुल, तो इसकी लंबाई को आप पेपर पे नापो, माप के दिखाओ कितने किलोमीटर की है। ये 10 किलोमीटर लंबी पुल है। तो आप क्या इसे पेपर पे नाप सकते हो, नहीं नाप सकते। आपका पेपर कितना लंबा है, देख लेते कितना है। ये स्केल हमारे पास, ये देखिए 25 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ, 30 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। हमें नापना कितना है, 10 किलोमीटर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके साइज को रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे, तब जाके बनेगा हमारा रिड्यूसिंग स्केल। कैसे घटा देंगे वो समझो। हम मान लेंगे कि 1 किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर लंबा है कुल, तो हम मान लेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर है किसके, बोलो किसके बराबर है, हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब तो 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लाइन को ड्रॉ करें, ये 10 सेंटीमीटर हो गया 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर कितनों को दिखा रहा है, ये 1 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को दिखाएगा। अब जो हमें मेजरमेंट है इस स्केल से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 10 किलोमीटर को कितने कम में, 10 सेंटीमीटर में हमने उसे रिड्यूस कर लिया। तो इस तरीके का स्केल, मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट अगर आपको मेजर करना हो, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी हो, तब हम बनाते हैं रिड्यूसिंग स्केल। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी हो, हम क्या करते हैं, इसके साइज को ज़्यादा मान लेते हैं, ज़्यादा एज्यूम करके बनाते हैं। तो इस तरीके के स्केल को हम बोलते हैं इनलार्जिंग स्केल। अच्छा, छोटे छोटे कंपोनेंट मैंने आपको बताया कि वॉचेज के अंदर जो कंपोनेंट होती है, छोटी छोटी नट्स बोल्ट्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, तो उन सभी का मेजरमेंट किया जाता है इनलार्जिंग स्केल से, ठीक है। ये समझ में आपको, चलिए ये देखिए 100 फीट अगर ले लें तो 100 फीट को ड्रॉ कर सकते हैं क्या पेपर? नहीं कर सकते। तो हम इसे क्या करना होगा, 50 गुना सबसे पहले अगर यही चीज़ें मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, हाफ गुना मतलब अभी क्या करते हैं इसके दुगना घटा देते हैं, इसके लेंथ को दुगना घटाएंगे तो 50 फीट अभी भी ये बड़ा है तो ये नहीं, कुछ और ज़्यादा इसे घटाते हैं। मतलब हम इसे क्या करते हैं 50 गुना घटा देते हैं, तब इसकी जो लेंथ आएगी कितनी आएगी बताओ, तब इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? अब आप हम लोग बताओ, यहाँ बताओ हमें इसकी जो लेंथ है वो क्या है। तब ये देखना हम इसे 50 से घटाते तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 फीट। 2 फीट अभी 2 फीट है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं पेपर्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस लेंथ को हम क्या कर सकते हैं पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 2 फीट आ गया। एक चीज देखो, ये जो थी हमारी इसे हम बोल रहे थे क्या एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट था ये, ठीक है। ये था हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा ये जो है ये क्या है, ये तो एक्चुअल लेंथ है, ये है लेंथ ऑफ ड्राइंग, LENGTH लेंथ ऑफ ड्राइंग, लेंथ ऑफ ड्राइंग। ये तो एक्चुअल लेंथ हुआ, ये लेंथ ऑफ ड्राइंग है। और ये जो बीच का जो फैक्टर था, फैक्टर है ये मल्टीपल है, तो इस मल्टीपल को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं फ्रैक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टर RF। क्या बोलेंगे हम इसे RF बोलेंगे। ये हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ लाइन LOD, ठीक है। ये है हमारी एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्चुअल लेंथ हो गई हमारी। तो ये RF जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये RF डिसाइड करता है कि हमारी स्केल किस लेंथ की होने वाली है, ये रिड्यूसिंग स्केल होने वाली है कि इनलार्जिंग स्केल होने वाली है। अभी अगर इसी चीज को अगर हम ऐसा लिखते हैं, इसी चीज को ध्यान देना कि हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था कि 100 फीट गुने 1/50 इज इक्वल टू 2 फीट, ठीक है। तो फुल साइज स्केल में ये RF की वैल्यू 1 होती है। RF की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। करके देखो यहाँ पे 100 फीट RF की वैल्यू को 1 रखते हैं तो कितना आता है 100 फीट। मतलब लेंथ जो है स्केल की पहले जो थी अभी भी वही, पहले की थी अभी भी। लेकिन रिड्यूसिंग स्केल में RF की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। मतलब रिड्यूसिंग स्केल में बात करें तो RF जो होता है लेस देन 1 होता है। फुल साइज स्केल में जो RF होता है इक्वल टू 1 होता है। लार्जिंग स्केल में RF जो होता है ग्रेटर देन 1। कैसे होता है ये तीनों देखो। अगर ये हमने लिखा था 100 फीट, यहीं पे देख लो, ये रिड्यूसिंग स्केल है ना। यहाँ पे 1/50 1 से कम है कि नहीं, तो RF की वैल्यू क्या है 1 से कम है। इसका एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग स्केल का। तो अगर आप एक्चुअल साइज जो ऑब्जेक्ट की है उससे स्केल की साइज को घटा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअल साइज जो है ऑब्जेक्ट की उस साइज से स्केल जो आप बनाने जा रहे हैं स्केल, उसके साइज को अगर घटाते हैं, वैसे स्केल को हम रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक्चुअल साइज जो है ऑब्जेक्ट की, एक्चुअल साइज जैसे इस रबर की साइज है कितनी 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर ये एक्चुअल साइज है। क्या है एक्चुअल साइज, समझ में आया। अब इस एक्चुअल साइज को से आप क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ स्केल जो है, स्केल जो आप बनाने जा रहे हैं उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं, तब वो हो जाता है इनलार्जिंग स्केल। इस केस में क्या होगा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 100 फीट का लेंथ था, 100 फीट का ऑब्जेक्ट था, आप क्या कर दिए इसको 2 से गुना कर दीजिए तो ये 200 फीट हो जाएगा। मतलब अब जो लेंथ ऑफ स्केल होगा, लेंथ जो है आपका कितना हो जाएगा, सॉरी लेंथ ऑफ ड्राइंग जो है, लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या है बढ़ गया ना। ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 100 फीट, लेंथ ऑफ ड्राइंग पे जो बनेगा वो लेंथ होगा 200 फीट। तो बढ़ गया। ड्राइंग में बनने वाला लेंथ कितना हो गया, 200 फीट हो गया। तो लो ये हो गया एनलार्जिंग इसके। यहाँ पे देखो ये वाले पे ध्यान दो, ब्लू कलर से जो लिखा है कि लेंथ जो है ऑब्जेक्ट की वो 100 फीट ही है, लेकिन ड्राइंग में ये बन रहा है 2 फीट का, मतलब जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो 100 फीट को 2 फीट से हम दिखा रहे हैं, ये रिड्यूसिंग स्केल है। और लेंथ जो है ऑब्जेक्ट का 100 फीट है और ड्राइंग पे भी 100 फीट बन रहा है, तो ये क्या है, क्या है ये फुल साइज स्केल है। हमने बताया था ना कि जो लेंथ की ऑब्जेक्ट रहे अगर वैसा आप बना रहे, वैसा ही स्केल बना रहे फुल साइज का, तो फुल साइज है। और यहाँ पे देखिए आरएफ क्या है, आरएफ आपको समझना है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये कहलाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप याद रखिए। तो आप समझ में आपको कि फुल साइज स्केल क्या होता है, रिड्यूसिंग स्केल क्या है और इनलार्जिंग स्केल क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो चलो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमने क्या लिखा कि 100 फीट गुने 1/50 इज इक्वल टू 2 फीट, हमने ऐसा लिखा। इसमें हमने इसे क्या बोला था, इसे हमने बोला था आरए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये था हमारा लेंथ ऑफ ड्राइंग LOD, और ये था हमारा एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या था, एक्चुअल साइज ऑफ। अच्छा ध्यान देना यहाँ पे RF इज इक्वल टू एक्चुअल साइज में हमने गुना किया RF से, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से, तो हमें मिल गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक्सप्रेशन याद रखना। तो RF की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से RF की जो वैल्यू होगी वो लेंथ ऑफ ड्राइंग बटा हो जाएगा एक्चुअल साइज ऑफ OBJ, या ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं एक्चुअल साइज ऑफ OBJ। तो ये है एक्सप्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो RF है वो बराबर होता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग टू इट्स एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ गया, ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो RF क्या होगा, रेशियो ऑफ लेंथ। अच्छा RF कैसे निकल जाएगा, अगर आपको लेंथ ऑफ ड्राइंग दिया गया, लेंथ ऑफ ड्राइंग दिया गया और एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया, एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया, दो ही चीज, यहाँ पर लेंथ ऑफ ड्राइंग दिया है या एक्चुअल साइज दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस RF को निकाल सकते हैं। एक्चुअल साइज दे दिया गया है आपको, RF दे दिया गया, तो आप लेंथ ऑफ ड्राइंग निकाल सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको क्या किया जाएगा कि इस एक्चुअल साइज को दे दिया जाएगा, ये क्या है, एक्चुअल साइज दे दिया जाएगा, ठीक है, एंड RF दे दिया जाएगा, RF दे दिया जाएगा, लेंथ ऑफ ड्राइंग को निकाल सकते हैं आप यहाँ से, है ना। या फिर करता क्या है कि एक्चुअल साइज दे देगा आपको और लेंथ ऑफ ड्राइंग दे देगा, बोलेगा कि RF निकालिए, तो आप बड़े आसानी से इन फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ, इनके ध्यान से देखना, अभी मैं कुछ आपको डायमेंशन, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्केल में, स्केल में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूनिट, यूनिट्स, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, इस तरीके से, डेसीमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, इस तरीके से आपको डायमेंशंस जो है, यूनिट्स हैं वो याद रखनी है। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, यूनिट को हम कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है। यूनिट्स आपको याद होगा बट एक बार फिर से हम क्या करते हैं, यूनिट्स आपको याद होगा बट हम एक बार क्या करते हैं, चलिए यूनिट्स आपको याद होगा बट एक बार हम फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं, सॉरी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि इन यूनिट्स जो मैं दिखाने जा रहा हूँ अभी आपको, इन यूनिट्स को जरा ध्यान से देखिए, याद कर लीजिएगा। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, पहली देखिए 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ठीक है। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, तो ऐसे लिख दीजिए डेका मीटर, ठीक है, 1 डेका मीटर। और 10 डेका मीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा। लीनियर मेजरमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मेजरमेंट सिस्टम, लीनियर मेजरमेंट सिस्टम बोलते हैं, है ना। इस सिस्टम में क्या होता है लीनियर मेजरमेंट सिस्टम में कि आप लेंथ को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं। अभी मैं आपको स्क्वायर मेजरमेंट सिस्टम बताने जा रहा हूँ। स्क्वायर मेजरमेंट सिस्टम पहला बताया हमने, ये दूसरा बताया। इसमें क्या होगा, इसमें मेनली जो हम मेजर करते हैं वी मेजर एरिया, एरिया को मेजर करते हैं। ठीक है, मीन्स 2 डायमेंशनल को मेजर करते हैं। 2 डायमेंशनल मेजरमेंट होता है इसमें, 2 डायमेंशनल मेजरमेंट। अभी तो हम इसमें लेंथ ही कर रहे हैं, मतलब लेंथ क्या है 1 डायमेंशनल मेजरमेंट है, 1 डायमेंशनल मेजरमेंट। ठीक है, ओके। तो इसमें मेनली जो है ये कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट याद कर लेना। बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं 100 mm² इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 डेसीमीटर स्क्वायर। थर्ड जो है हमारे पास वो है 100 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। फोर्थ जो है 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 एयर एंड पाँचवा है हमारे पास 100 एयर इक्वल टू 1 हेक्टेयर एंड सिक्स जो है 100 हेक्टेयर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड कुछ और एडिशनल्स जो हैं इसे भी आप याद रखिएगा, जैसे कभी कभी फुट माइल्स बदल के हम मेजरमेंट करते हैं, तो इसे भी याद रखना जरूरी। ठीक है, तो जैसे कि हम करते हैं कभी कि 25 mm अप्रोक्सीमेटली ये 1 इंच के बराबर होता है। ठीक है, 1 इंच के बराबर। दूसरी अगर 12 इंच की बात करें तो ये बराबर होता है 1। थर्ड में अगर बात करें तो 3 फीट मिलकर बनाता है आपका 1 यार्ड। ठीक है, फोर्थ में अगर बात करें 220 यार्ड को अगर मिला दिया जाए तो 1 फॉर्लंग बन जाता है, 1 फॉर्लंग बन जाता है। ठीक है, पांचवा अगर 8 फॉर्लंग को अगर मिला दिया है तो 1 माइल बनता है। एंड सिक्स में अगर 1 माइल को मिलाने से 1.6023 किलोमीटर। तो ये यूनिट्स हैं, इसे याद कर लीजिए। आज वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो सीरीज अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्लेन स्केल, क्या प्लेन स्केल, स्केल्स, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम जो है हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल।